आपको सबको नमस्कार। एक बहुत जरूरी बात आज मैं आपसे करना चाहता हूँ। बोल तो वो अभी पेट में दबा के क्यों रखा है? दर्द हो जाएगा पेट। पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर एक तरह से दमन चक्र चलाया जा रहा है, कुचलने की कोशिश की जा रही है आम आदमी। ओहो, ये बात है। मोदी जी बिल्कुल बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं हम लोगों को लेके, बहुत ज्यादा बौखलाहट में है, गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। सुना ना नया? ये बड़ा क्रिटिकल समय है। माय गॉड, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमें मरवा भी सकते हैं, ये मुझे भी मरवा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ये लो और सुनो, खून करने वाला ही कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है। वाह। चुनमुन रिक्शा वाला और आज हमारे साथ थेनी पर खुराफात में है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केजरू। केजरू, सबसे पहले तो संदीप के लिए लानत है तुम पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतने बुरे दिन देखे दिल्ली ने, पर केजरू एक बात बता, दिल्ली के लिए सबसे काला दिन कौन सा था? जब मैं मुख्यमंत्री बना। केजरू, तुमने दिल्ली की जनता को सबसे बड़ा झूठ क्या बोला? चुनाव में जितने वादे किए। यार तुम दिन में कितने घंटे झूठ बोलते हो? 24 घंटे। प्रॉब्लम तुमको है कब से? हाँ, ये बचपन से प्रॉब्लम है। इससे अच्छा तो जनता को तुम पहले ही सच बता देते। जूते मारती मेरे को। दिल्ली वाली सीढ़ी थी बड़ी मजेदार, ऐसे कान आगे भी आते रहेंगे का? 81% लोगों ने कहा जी दोबारा करो। देखो केजरू, जो भी हुआ हुआ तो गलत है, इतना गलत काम करवाते क्यों हो? मैं तो बच्चा हूँ, अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ आप मेरे को बताओ, मेरे को गाइड करो आप। मैं अगर गलत काम कर रहा हूँ मैं ठीक करूंगा। जनता जो गुस्से में है, डर नहीं लगता तुम्हें? बिल्कुल नहीं। गंदी बातों में से एक आध बात अच्छी भी बोल लेते हो, कैसे? तो मेरी हो सकता है भाषा में कुछ एक आध शब्द खराब हो जाएं। जो कहते हैं कि जिस नेता पे जितने ज्यादा केस चल रहे हैं उतना सक्सेसफुल, तुम पे कितने चल रहे हैं? 22 केस चल रहे हैं। केजरी, सब जो तुम ड्रामा कर रहे हो इसका पंजाब में कोई नुकसान नहीं होगा का तुम्हारा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। केजरू, अट्टा के ठेके से पौआ लेके रोज अकेले पेल जाते हो बिना चखने के, कभी मोदी को भी बुलाओ। जरूर कोशिश करेंगे, अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबी जी से रोज शाम को बहुत सुताई होती है तुम्हारा? परिवार के अंदर थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। और जो ये तुम्हारा ऊंचे स्वर में विरोध हो रहा है वो का? जनता चिल्लाती है। ये संदीप पहले ऐसा नहीं था, ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद ऐसा हो गया? वो आज केवल और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। जो पंजाब में वादे कर रहे हो सारे सच्चे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जो अगर वादे पूरे नहीं किए ना तो पंजाब की जनता जूते अलग मारेगी और केस भी ठोकेगी तुम पे। चलते रहते हैं। तुम कह रहे हो कि जैसे दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया पंजाब की जनता को वैसे मूर्ख बना गए? नहीं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। कहीं खाओगे? ला निकालो 5 रुपए दो। खाली अकाउंट है हमारा, पार्टी का भी अकाउंट खाली है, मेरा भी अकाउंट खाली है। तब पैसा आएगा कहाँ से? इसको टिकट मिलेगा। नहीं तो दूसरी पार्टी वाले कह रहे थे कि तुम टिकट के बदले पैसा लेते हो। तुम वो ऐसे ही कहते रहे। संदीप के बाद अपने बाकी मंत्रियों को राशन कार्ड बनाने की कोई ट्रेनिंग दी है? पता नहीं क्या क्या कोशिश हो रही है अभी। संदीप को फिल्म बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? टाइम मिल जाए तो फिल्में देखने का बहुत शौक। आवारा हूँ सीएम, आवारा हूँ सीएम दिल्ली का, आ निकला हूँ बस वोटों के लिए। आवारा हूँ सीएम दिल्ली का, आ निकला हूँ बस वोटों के लिए। आवारा हूँ सीएम दिल्ली का, आ निकला हूँ बस वोटों के लिए। आवारा हूँ सीएम दिल्ली का, बस वोटों के लिए। आ निकला हूँ बस वोटों के लिए, आ निकला हूँ बस वोटों के लिए। कोई भी न काम कभी कर पाएंगे, कोई भी न काम कभी कर पाएंगे,
हम तो मोदी पे बस आरोप लगाएंगे। कुछ भी ना हुआ तो कोई गम नहीं, कुछ भी ना हुआ तो कोई गम नहीं, हम सारी गलतियां तुम पर थोप जाएंगे। आ निकला हूँ बस वोटों के लिए, आ निकला हूँ बस वोटों के लिए, सीएम की कुर्सी के लिए मचल जाऊंगा, नहीं लगता कि अब कभी संभल पाऊंगा, जो लगेगा दिखने असली रंग मेरा, मैं गिरगिट की तरह बदल जाऊंगा। आ निकला हूँ बस वोटों के लिए, आ निकला हूँ बस वोटों के लिए, आवारा हूँ सीएम दिल्ली का, निकला हूँ बस वोटों के लिए, आ निकला हूँ बस वोटों के लिए, चंदे में जो मैंने पाए थे, रोता हूँ उन नोटों के लिए, चंदे में जो मैंने पाए थे, रोता हूँ उन नोटों के लिए, चंदे में जो मैंने पाए थे, रोता हूँ उन नोटों के लिए, आवारा हूँ सीएम दिल्ली का, आ निकला हूँ बस नोटों के लिए। वो आरोपी लागू नहीं हुआ जबकि चारों तरफ जा जाके कह रहे हैं आरोपी लागू हुआ। सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं, सारे देश को झूठ बोल रहे हैं। तुम हो कौन? हम तो खराब हैं, वो तो हम तो पैदाइशी खराब हैं। स्टूपिड कॉमन मैन, आज अचानक ये स्टूपिड कॉमन मैन कैसे जाग गया? मारेंगे तुमको, डंडा मारेंगे तुमको। तुम ये कह रहे हो कि कितने बेगुनाहों को तुम मार दोगे? मोदी जी से पूछिए, ये सही तरीका नहीं है। तुम्हें डर लग रहा है पकड़े जाने का, मारे जाने का, हाँ या ना? तो फिर ये डर याद रखना, और ये मत सोचना कि तुम आम आदमी का झंडा दिखाकर बच जाओगे। ये बड़ी अजीब बात है। नहीं ऐसा नहीं है। मोदी जी इस्तीफा दे दें, वो कहें कि मेरे से देश नहीं चल रहा। एक मिनट सुन तो लीजिए। तुम हो क्या? मोदी जी से पूछिए, वो बताएंगे। मतलब हिंदू हो मुसलमान हो क्या हो? हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। मोदी जी इस्तीफा दे दें, वो कहें कि उरी के अंदर इधर उधर उधर इधर जितने लोग शहीद होते। पागलपन का इलाज हर बार पागल को भगाना नहीं होता, पागल को समझाना भी होता है। भाई साहब, he's totally mad। मोदी जी को चिट्ठी लिखी है? मोदी 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 जी से पूछिए, मोदी जी इस्तीफा दे दें। आप रूडी क्यों बनना चाहते हैं? आपने मेरे को कोई कागज ही नहीं भेजे। एक्सक्यूज मी, एक्चुअली ये जो कह रहा है सही राग गा रहा है। अब अगर आप ये सोचो मैं आपके सारे प्रोग्राम बैठ के देखता हूँ, सर मैं तो आपके प्रोग्राम देखता नहीं, इंटरेस्टिंग नहीं होते, फ्रेंकली बुरा मत मानो। दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट। आपके इंटरेस्ट क्या क्या है? आ चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहाँ चोर भी न हो, जहाँ भ्रष्ट भी न हो, बस आपका राज चले। रघु, रघु, प्लीज क्या करते हैं? तेरे गलत। अगर ना है प्लीज प्लीज करता बता। नहीं सर, मैं क्लियर कर दूँ, मेरा मिसइंटरप्रेट हो गया। बेटा मैं भी उठ जाऊंगा अभी, तू निकल ले अभी। आपने दूसरों को तो डरा दिया, केजरीवाल नहीं डरने वाला। इसके मैं अभी। तुम्हारे तो कर्म खराब है, केजरीवाल नहीं डरने वाला। आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं। अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं। गलती हुई, उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं। हमसे बुरा कोई ना होगा, पे आके चमटेगा। अगर हमारी बात नहीं सुनी ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा। अगर भ्रष्टाचार कम होता इस नोटबंदी से, अगर इस नोटबंदी से काला धन कम होता, सबसे पहले मैं इनके साथ खड़ा होकर चिल्लाता मोदी मोदी मोदी। सबसे पहले मैं चिल्लाता भी खड़ा होकर मोदी मोदी मोदी। मोदी मोदी चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मोदी मोदी चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के, मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ के, कुर्ता फाड़ सब छोड़ छाड़ मैं हो गया दीवाना। नाम क्या है तुम्हारा? मैं अरविंद केजरीवाल हूँ। करते क्या हो? मैं एक हाउसवाइफ हूँ।
घर से निकलती हूँ तो डर लगता है, मेट्रो में बस में चढ़ती हूँ ऐसे नोचते हैं जैसे इनके घर में माँ बहने ना हो। अच्छा पता नहीं कैसे घर चलाऊंगी मैं। कॉन्डोम है। पर इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। बस ये सब कुछ है। इसे पहनना पड़ता है while having sex। ये तो बहुत अच्छा है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। करोड़ों लोग पहनते हैं। पर इससे इस देश के कुछ लोगों का नुकसान हो रहा है। सबके पास होता है। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ है ना? यार सेक्स बहुत प्राइवेट बात होती है। मैं जानता हूँ। अभी दुनिया को थोड़ी अनाउंस करता है कि आज आई एम हैविंग सेक्स। आप में से कई लोग थक चुके होंगे। मेरा कई बार मन करता है। गुड मॉर्निंग सर। सर दिस इज आवर कंसाइनमेंट इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट टू यूके एंड हिंदी में बात नहीं कर सकते? हिंदी में बात करो ना। नहीं मतलब ये था कि ये जो यूके में हमारा कपड़ा जाता है उसके सिलसिले में ये है, तो इसको साइन करना है आपको। हाँ यहाँ पे ठीक है। तुम यहाँ रख दो, तुम जाओ। अब पहले मैं कागज घर पे ले जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर साइन करके लाता हूँ, तुम जाओ। नहीं सर ये बहुत अर्जेंट है। तो खुद ही कर लो। नहीं मैं साइन नहीं कर सकता सर। एक साइन नहीं कर सकते? फिर इतना बड़ा कंठ लंगोट पहन के इतनी मोटी पगार क्यों लेते हो? नहीं नहीं मेरी अथॉरिटी नहीं, मतलब मेरा अधिकार नहीं साइन करने का सर। ये आपको ही करना पड़ेगा। मैं आज व्यस्त हूँ और मेरी मीटिंग भी है, मैं आज साइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। बुधवार को मतलब? जाओ तुम चक्कर मत पड़ो, जाओ 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 जाओ। इन्होंने कहा कि ये बुलेट ट्रेन चालू करेंगे, बुलेट ट्रेन जैसे जापान में, यूरोप में, इन बड़े बड़े देशों में होती है, बुलेट ट्रेन चालू करेंगे। मुंबई से अहमदाबाद तक की ये गाड़ी होगी। मुंबई से अहमदाबाद तक की दूरी ये बता रहे हैं 2 घंटे में पूरी करेगी और इसकी टोटल लागत 60,000 करोड़ रुपए आएगी। 60,000 करोड़ रुपए इसकी लागत आएगी। दोस्तों मैं थोड़ी सी गुना भाग करके देखी है कि इसमें एक आदमी को किराया कितना देना पड़ेगा और मेरी जो गुना भाग दिखाती है कि इस ट्रेन में मुंबई से अहमदाबाद तक यात्रा करने के लिए एक तरफ का एक आदमी का 75,000 रुपए का किराया होगा। एक आदमी का एक तरफ का मुंबई से अहमदाबाद तक का 75,000 रुपए ट्रेन का किराया होगा। बताओ अगर आप मुंबई से हवाई जहाज लो तो मुंबई से अहमदाबाद 2 घंटे में पहुंच जाते हैं और 4,000 रुपए की टिकट है। हवाई जहाज से 4,000 रुपए की टिकट है, ट्रेन से 75,000 रुपए का किराया होगा। तो कौन जाएगा जी इस ट्रेन के अंदर? हम गधे सही है। हम गधे पता है। हम गधे ये सबसे ज्यादा चिंता का विषय है। हम गधे के गले नजर आते हैं मोदी जी को। हम गधे के गले नजर आते हैं मोदी जी को। किसी ने सबूत नहीं मांगा था। हम गधे ये तिजोरी है मोदी जी के काले धन की, इसका ताला तोड़ाए। इसमें निकले डॉक्यूमेंट सच्चाई, ये कागज निकले हैं जी मोदी जी के, इसमें सारे भाई खाते हैं। अभी आपके सामने बताऊंगा सारा मैं। उत्तर प्रदेश में चल रहे दंगल को देख केजरीवाल को लगता है कि उनकी नौटंकीबाजी में कंपटीशन बढ़ गया है, इसलिए वो ऐसे हरकतें कर रहे हैं। और इसी के साथ हम उन्हें ऑफिशियली औपचारिक तरीके से पागल घोषित कर रहे हैं। दिल्ली को पागल केजरीवाल मुबारक हो। सुन तो लीजिए। तुम हो क्या? मोदी जी से पूछिए वो बताएंगे। मतलब हिंदू हो मुसलमान हो क्या हो? हिंदू हो चाहे मुसलमान हो, हमें वोट दो, हमें वोट दो। मैं तुम्हें समझ नहीं पा रहा हूँ। मोदी जी इस्तीफा दे दें, वो कहें कि उरी के अंदर इधर उधर उधर इधर जितने लोग शहीद होते। पागलपन का इलाज हर बार पागल को भगाना नहीं होता, पागल को समझाना भी होता है।
भाई साहब He's totally mad. मोदी जी को चिट्ठी लिखी है मोदी 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 जी से पूछिए मोदी जी इस्तीफा दे दें लगता है ये पागल हो गया पागल आप रूडी क्यों बनना चाहते हैं आपने मेरे को कोई कागज ही नहीं भेजे एक्सक्यूज मी एक्चुअली ये जो कह रहा है सही राग गा रहा है अब अगर आप ये सोचो मैं आपके सारे प्रोग्राम बैठ के देखता हूँ सर मैं तो आपके प्रोग्राम देखता नहीं इंटरेस्टिंग नहीं होते फ्रेंकली बुरा मत मानो दैट एक्सप्लेन्स अ लॉट आपके इंटरेस्ट क्या क्या है चल के तुझे मैं ले के चलूं एक ऐसे गगन के तले जहां चोर भी ना हो जहां भ्रष्ट भी ना हो बस आपका राज चले रघु रघु प्लीज क्या लगते तेरे गलत आपने दूसरों को तो डरा दिया केजरीवाल नहीं डरने वाला तुम्हारे तो कर्म खराब है केजरीवाल नहीं डरने वाला आपको पता नहीं है मैं किस मिट्टी का बनाऊं अरे तुम्हारे तो कर्म फूटे हैं उस गलती के लिए हम माफी मांगते हैं हमसे बुरा कोई ना होगा पे आके चमटेगा अगर हमारी बात नहीं सुनी ना तो हमसे बुरा कोई ना होगा अगर भ्रष्टाचार कम होता इस नोटबंदी से अगर इस नोटबंदी से काला धन कम होता सबसे पहले मैं इनके साथ खड़ा होकर चिल्लाता आपको सबको नमस्कार एक बहुत जरूरी बात आज मैं आपसे करना चाहता हूँ बोल तो वो अभी पेट में दबा के क्यों रखा है दर्द हो जाएगा पेट पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर एक तरह से दमन चक्र चलाया जा रहा है कुचलने की कोशिश की जा रही है आम आदमी ओहो ये बात है मोदी जी बिल्कुल बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं हम लोगों को लेके बहुत ज्यादा बौखलाहट में है गुस्से में है बहुत ज्यादा गुस्से में है सुना अरे ये बड़ा क्रिटिकल समय है माय गॉड ये किसी भी हद तक जा सकते हैं हमें मरवा भी सकते हैं ये मुझे भी मरवा सकते हैं कुछ भी कर सकते हैं ये लो और सुनो खून करने वाला ही कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है वार चुनमुन रिक्शा वाला और आज हमारे साथ खैनी पर खुराफात में है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केजरू केजरू सबसे पहले तो संदीप के लिए लानत है तुम पे बहुत बहुत शुक्रिया थैंक यू सो मच इतने बुरे दिन देखे दिल्ली ने पर केजरू एक बात बता दिल्ली के लिए सबसे काला दिन कौन सा था जब मैं मुख्यमंत्री बना केजरू तुमने दिल्ली की जनता को सबसे बड़ा झूठ क्या बोला चुनाव में जितने वादे किए यार तुम दिन में कितने घंटे झूठ बोलते हो 24 घंटे प्रॉब्लम तुमको है कब से हाँ ये बचपन से प्रॉब्लम है इससे अच्छा तो जनता को तुम पहले ही सच बता देते जूते मारती मेरे को दिल्ली वाली सीढ़ी थी बड़ी मजेदार ऐसे कान आगे भी आते रहेंगे का 81% लोगों ने कहा दोबारा करो देखो केजरू जो भी हुआ हुआ तो गलत है इतना गलत काम करवाते क्यों हो मैं तो बच्चा हूँ अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ आप मेरे को बताओ मेरे को गाइड करो आप मैं अगर गलत काम कर रहा हूँ मैं ठीक करूंगा जनता जो गुस्से में है डर नहीं लगता तुम्हें बिल्कुल नहीं गंदी बातों में से एक आध बात अच्छी भी बोल लेते हो कैसे तो मेरी हो सकता है भाषा में कुछ एक आध शब्द खराब हो जाए जो कहते हैं कि जिस नेता पे जितने ज्यादा के मोदी मोदी चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के मोदी मोदी चिल्लाऊंगा कुर्ता फाड़ के मैं तेरा मजनू बन जाऊंगा कुर्ता फाड़ सब छोड़ छाड़ मैं हो गया दीवाना नाम क्या तुम्हारा मैं अरविंद केजरीवाल हूँ करते क्या हो मैं एक हाउसवाइफ हूँ घर से निकलती हूँ तो डर लगता है मेट्रो में बस में चढ़ती हूँ ऐसे नोचते हैं जैसे इनके घर में माँ बहने ना हो अच्छा पता नहीं कैसे घर चलाऊंगी मैं
कॉन्डोम है। पर इससे क्या फर्क पड़ता है? इससे वर्ल्ड का पॉपुलेशन कंट्रोल होता है। बस ये सब कुछ है। इसे पहनना पड़ता है व्हाइल हैविंग सेक्स। ये तो बहुत अच्छा है, हमारे देश के लिए बहुत अच्छा है। करोड़ों लोग पहनते हैं। पर इससे इस देश के कुछ लोगों का नुकसान हो रहा है। सबके पास होता है। आपको पता है मैं किसकी बात कर रहा हूँ, है ना? यार सेक्स बहुत प्राइवेट बात होती है। मैं जानता हूँ। अभी दुनिया को थोड़ी अनाउंस करते कि आज आई एम हैविंग सेक्स। आप में से कई लोग थक चुके होंगे। मेरा कई बार मन करता है। गुड मॉर्निंग सर। सर दिस इज आवर कंसाइनमेंट इनवॉइस फॉर एक्सपोर्ट टू यूके एंड हिंदी में बात नहीं कर सकते, हिंदी में बात करो ना। नहीं मतलब ये था कि ये जो यूके में हमारा कपड़ा जाता है उसके सिलसिले में ये है, तो इसको साइन करना है आपको। हाँ यहाँ पे, यहाँ पे। ठीक है तुम यहाँ रख दो, तुम जाओ। अब पहले मैं कागज घर पे ले जाता हूँ, फिर पढ़ता हूँ, फिर साइन करके लाता हूँ, तुम जाओ। नहीं सर ये बहुत अर्जेंट है। तो खुद ही कर लो। नहीं मैं साइन नहीं कर सकता सर। एक साइन नहीं कर सकते, फिर इतना बड़ा कंठ लगोट पहन के इतनी मोटी पगार क्यों लेते हो? नहीं नहीं मेरी अथॉरिटी नहीं, मतलब मेरा अधिकार नहीं साइन करने का सर। ये आपको ही करना पड़ेगा। मैं आज व्यस्त हूँ और मेरी मीटिंग भी है, मैं आज साइन नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि आज बुधवार है और बुधवार को मैं कागज कलम छूता नहीं हूँ। बुधवार को मतलब? अरे तुम जाओ, तुम चक्कर मत पड़ो, जाओ 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 जाओ। इन्होंने कहा कि ये बुलेट ट्रेन चालू करेंगे, बुलेट ट्रेन जैसे चल रहे हैं उतना सक्सेसफुल। तुम पे कितने चल रहे हैं? 22 केस चल रहे हैं। केजरीवाल सब जो तुम ड्रामा कर रहे हो इसका पंजाब में कोई नुकसान नहीं होगा क्या तुम्हारा? नहीं कोई नुकसान नहीं होगा। केजरीवाल अट्टा के ठेके से पौआ लेके रोज अकेले पेल जाते हो बिना चखने के, हैं? कभी मोदी को भी बुलाओ। जरूर कोशिश करेंगे, अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुना है बाबी जी से रोज शाम को बहुत चुताई होती है तुम्हारा? परिवार के अंदर थोड़े बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। और जो ये तुम्हारा ऊंचे स्वर में विरोध हो रहा है वो का? जनता चिल्लाती है। संदीप पहले ऐसा नहीं था, ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद ऐसा हो गया। वो आज केवल और केवल आम आदमी पार्टी कर सकती है। जो पंजाब में वादे कर रहे हो सारे सच्चे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जो अगर वादे पूरे नहीं किए ना तो पंजाब की जनता जूते अलग मारेगी और केस भी ठोकेगी तुम पर। केस चलते रहते हैं। तुम कह रहे हो कि जैसे दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया पंजाब की जनता को वैसे मूर्ख बनाओगे? नहीं मैं थोड़ी कह रहा हूँ। कहीं नहीं खाओगे? ला निकालो 5 रुपए दो। खाली अकाउंट है हमारा, पार्टी का भी अकाउंट खाली है, मेरा भी अकाउंट खाली है। तो पैसा आएगा कहाँ से? इसको टिकट मिलेगा। नहीं तो दूसरी पार्टी वाले कह रहे थे कि तुम टिकट के बदले पैसा लेते हो। तुम वो ऐसे ही कहते रहे। संदीप के बाद अपने बाकी मंत्रियों को राशन कार्ड बनाने की कोई ट्रेनिंग दी है? पता नहीं क्या क्या कोशिश हो रही है अभी। संदीप को फिल्म बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? टाइम मिल जाए तो फिल्में देखने का बहुत शौक। आवारा हूँ सीएम, आवारा हूँ सीएम दिल्ली का, आ निकला हूँ बस वोटों के लिए। आवारा हूँ सीएम दिल्ली का, आ निकला हूँ बस वोटों के लिए। आवारा हूँ सीएम दिल्ली का, आ निकला हूँ बस वोटों के लिए। आवारा हूँ सीएम दिल्ली का, बस वोटों के लिए आ निकला हूँ, बस वोटों के लिए आ निकला हूँ, बस वोटों के लिए। कोई भी न काम कभी कर पाएंगे, कोई भी न काम कभी कर पाएंगे, हम तो मोदी पे बस आरोप लगाएंगे। कुछ भी न हुआ तो कोई गम नहीं, कुछ भी न हुआ तो कोई गम नहीं, हम सारी गलतियाँ तुम पर थोप जाएंगे। आ निकला हूँ बस वोटों के लिए, आ निकला हूँ बस वोटों के लिए। सीएम की कुर्सी के लिए मचल जाऊंगा, नहीं लगता कि अब कभी
संभल पाऊंगा, जो लगेगा दिखने असली रंग मेरा, मैं गिरगिट की तरह बदल जाऊंगा। आ निकला हूँ बस वोटों के लिए, आ निकला हूँ बस वोटों के लिए, आवारा हूँ सीएम दिल्ली का, निकला हूँ बस वोटों के लिए, आ निकला हूँ बस वोटों के लिए। चंदे में जो मैंने, चंदे में जो मैंने पाए थे, रोता हूँ उन नोटों के लिए, चंदे में जो मैंने पाए थे, रोता हूँ उन नोटों के लिए, चंदे में जो मैंने पाए थे, रोता हूँ उन नोटों के लिए। आवारा हूँ सीएम दिल्ली का, आ निकला हूँ बस नोटों के लिए। वो आरोपी लागू नहीं हुआ, जबकि चारों तरफ जा जा के कह रहे हैं आरोपी लागू हुआ। सॉरी मैं कुछ समझा नहीं। प्रधानमंत्री जी झूठ बोल रहे हैं, सरेआम झूठ बोल रहे हैं, सारे देश को झूठ बोल रहे हैं। तुम हो कौन? हम तो खराब हैं, वो तो हम तो पैदाइशी खराब हैं। स्टूपिड कॉमन मैन, आज अचानक ये स्टूपिड कॉमन मैन कैसे जाग गया? मारेंगे तुमको, डंडा मारेंगे तुमको। तुम ये कह रहे हो कि कितने बेगुनाहों को तुम मार दोगे? मोदी जी से पूछिए, ये सही तरीका नहीं है। तुम्हें डर लग रहा है पकड़े जाने का, मारे जाने का, हाँ या ना? तो फिर ये डर याद रखना, और ये मत सोचना कि तुम आम आदमी का झंडा दिखाकर बच जाओगे। ये बड़ी अजीब बात है। नहीं ऐसा नहीं है। मोदी जी इस्तीफा दे दें, वो कहें कि मेरे से देश नहीं चल रहा। एक मिनट, हुआ तो गलत है, इतना गलत काम करवाते क्यों हो? मैं तो बच्चा हूँ, अगर मैं कोई गलत काम कर रहा हूँ आप मेरे को बताओ, मेरे को गाइड करो आप। मैं अगर गलत काम कर रहा हूँ मैं ठीक करूंगा। जनता जो गुस्से में है, डर नहीं लगता तुम्हें? बिल्कुल नहीं। गंदी बातों में से एक आध बात अच्छी भी बोल लेते हो, कैसे? तो मेरी हो सकता है भाषा में कुछ एक आध शब्द खराब हो जाए। जो कहते हैं कि जिस नेता पे जितने ज्यादा केस चल रहे हैं उतना सक्सेसफुल, तुम पे कितने चल रहे हैं? 22 केस चल रहे हैं। केजरीवाल सब जो तुम ड्रामा कर रहे हो, इसका पंजाब में कोई नुकसान नहीं होगा का तुम्हारा? नहीं, कोई नुकसान नहीं होगा। केजरीवाल अट्टा के ठेके से पौआ लेके रोज अकेले पेल जाते हो बिना चखने के, कभी मोदी को भी बुलाओ। जरूर कोशिश करेंगे, अगर आएंगे तो ठीक है, नहीं आएंगे तो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बाबे जी से रोज शाम को बहुत चुताई होती है तुम्हारा? परिवार के अंदर थोड़ी बहुत लड़ाई झगड़े होते हैं। और जो ये तुम्हारा ऊंचे स्वर में विरोध हो रहा है वो का? जनता चिल्लाती है। संदीप पहले ऐसा नहीं था, ये आम आदमी पार्टी ज्वाइन करने के बाद ऐसा हो गया। वो आज केवल और केवल कुछ भी कर सकते हैं। ये लो और सुनो, खून करने वाला ही कह रहा है कि उसकी जान को खतरा है। वार चुनमुन रिक्शा वाला, और आज हमारे साथ थेनी पर खुराफात में है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और केजरू। सबसे पहले तो संदीप के लिए लानत है तुम पे। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। इतने बुरे दिन देखे दिल्ली ने, पर केजरू एक बात बता, दिल्ली के लिए सबसे काला दिन कौन सा था? जब मैं मुख्यमंत्री बना। केजरू तुमने दिल्ली की जनता को सबसे बड़ा झूठ क्या बोला? चुनाव में जितने वादे किए। यार तुम दिन में कितने घंटे झूठ बोलते हो? 24 घंटे। प्रॉब्लम तुमको है कब से? हाँ ये बचपन से प्रॉब्लम है। इससे अच्छा तो जनता को तुम पहले ही सच बता देते। जूते मारती मेरे को। दिल्ली वाली सीढ़ी थी बड़ी मजेदार, ऐसे कान आगे भी आते रहेंगे का? 81% लोगों ने कहा जी दोबारा करो। देखो केजरीवाल जो भी आवारा हूँ सीएम, आवारा हूँ सीएम दिल्ली का, आ निकला हूँ बस वोटों के लिए, आवारा हूँ सीएम दिल्ली का, आ निकला हूँ बस वोटों के लिए, आवारा हूँ सीएम दिल्ली का, आ निकला हूँ बस वोटों के लिए, आवारा हूँ सीएम दिल्ली का। बस वोटों के लिए आ निकला हूँ, बस वोटों के लिए आ निकला हूँ, बस वोटों के लिए। कोई भी न काम कभी कर पाएंगे, कोई भी न काम कभी कर पाएंगे। आपको सबको नमस्कार।
एक बहुत जरूरी बात आज मैं आपसे करना चाहता हूँ। बोल तो वो अभी पेट में दबा के क्यों रखा है? दर्द हो जाएगा पेट। पिछले कुछ दिनों से आप लोग देख रहे हैं कि किस तरह से आम आदमी पार्टी के ऊपर एक तरह से दमन चक्र चलाया जा रहा है, कुचलने की कोशिश की जा रही है आम आदमी। ओहो, ये बात है। मोदी जी बिल्कुल बुरी तरह से बौखलाए हुए हैं हम लोगों को लेकर, बहुत ज्यादा बौखलाहट में है, गुस्से में है, बहुत ज्यादा गुस्से में है। सुना अरे ये बड़ा क्रिटिकल समय है। माय गॉड, ये किसी भी हद तक जा सकते हैं, हमें मरवा भी सकते हैं, ये मुझे भी मरवा सकते। आम आदमी पार्टी कर सकती है। जो पंजाब में वादे कर दो सारे सच्चे हैं क्या? बिल्कुल नहीं। जो अगर वादे पूरे नहीं किए ना तो पंजाब की जनता जूते अलग मारेगी और केस भी ठोकेगी तुम पे। चलते रहते हैं। तुम कह रहे हो कि जैसे दिल्ली की जनता को मूर्ख बनाया, पंजाब की जनता को वैसे मूर्ख बनाओगे? नहीं, मैं थोड़ी कह रहा हूँ। खैनी खाओगे? ला निकालो, 5 रुपए दो। खाली अकाउंट है हमारा, पार्टी का भी अकाउंट खाली है, मेरा भी अकाउंट खाली है। तब पैसा आएगा कहाँ से? इसको टिकट मिलेगा। नहीं तो दूसरी पार्टी वाले कह रहे थे कि तुम टिकट के बदले पैसा लेते हो। तुम वो ऐसे ही कहते रहे। संदीप के बाद अपने बाकी मंत्रियों को राशन कार्ड बनाने की कोई ट्रेनिंग दी है? पता नहीं क्या क्या कोशिश हो रही है अभी। संदीप को फिल्म बनाने की इंस्पिरेशन कहाँ से मिली? टाइम मिल जाए तो फिल्में देखने का बहुत शौक।